हाय, अभी मैं डायरेक्टली जिम से आ रहा हूँ एंड आज इतना इंसेन था मेरा पंप कि मैंने सोचा कि अब वो टाइम आ गया है जब मैं अपनी बॉडी से खुश होना शुरू हुआ हूँ। ठीक है, एंड मैं उस पॉइंट पे आ गया हूँ अपनी जर्नी में जब मुझे लगता है कि मैं लोगों को टिप्स दे सकता हूँ कि हाउ आई लॉस्ट मोर देन लाइक 50 kgs ड्यूरिंग माई लिफ्टिंग जर्नी, ड्यूरिंग माई जिम जर्नी। ठीक है, बहुत लोगों का मन होता है अपनी बॉडी को चेंज करने का, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने का, बट प्रॉब्लम इज एजुकेशन। हम सब लोग बहुत सारे जो मिथ्स होते हैं ना और बिलीफ सिस्टम्स होते हैं उनके साथ इंग्रेन्ड होते हैं। एंड आपको एक अनहेल्दी इंसान ने बचपन में बोला होगा, किसी अंकल ने बोला होगा जो खुद तो कभी फिट थे ही नहीं, कभी किसी जमाने में फिट थे एंड अभी वो फिट नहीं है, बट उन्होंने आपको कुछ एक फालतू की बुलशिट फिटनेस एडवाइस दी होगी, आपने फॉलो करी होगी, वो काम नहीं करी होगी। आपको अंकल ने बोला होगा सैर पे जाओ, पतले हो जाओगे, ये करोगे वो करोगे। एक्चुअली में जब आपको बॉडी अपनी जो इतनी इंट्रिक्रेट और इतनी मतलब भगवान ने इतनी मुश्किल से बनाई हुई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को अगर आपको चेंज करना है अपने अकॉर्डिंगली, तब आप सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेप से वो नहीं अचीव कर सकते हो। लाइक आपको बहुत सारे डिफरेंट 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 बहुत सारी छोटी 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 चीजों को चेंज करना पड़ेगा साथ में। वो जब आप साथ में कंबाइन कर लोगे तब आपको समझ जाएगा ओके दिस इज द वीडियो गेम। ओके, अगर बॉडी को चेंज करना है तो मेरे को बस एक लेवल नहीं करना कि मेरे को जिम जाना है, या मेरे को सिर्फ एक चीज नहीं करनी कि सिर्फ डाइट करनी है, या मुझे सिर्फ एक चीज नहीं करनी कि मेरे को स्टेरॉइड्स खाने हैं। मुझे सब कुछ थोड़ा 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 करना होगा। स्टेरॉइड्स की बात नहीं कर रहे, हम स्टेरॉइड्स नहीं, मेरे दिमाग में चलते रहता है, आई एम सो सॉरी गाइस। बट हाँ, मेडिकेशन की भी बात करेंगे इसमें। ठीक है, मैं काफी ट्रांसपेरेंट बंदा हूं, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा जो मैंने अपनी लिफ्टिंग जर्नी में यूज करी, खुद से करा, सीखा, ताकि आप लोग भी वो फर्स्ट स्टेप ले सको। देखो, वी विल बी टॉकिंग अबाउट फोर मेन थिंग्स व्हेन इट कम्स टू योर लिफ्टिंग जर्नी, हाउ टू चेंज योर बॉडी। ठीक है, चार मेन चीजें हैं। फर्स्ट इज बिलीफ सिस्टम, सेकेंड इज योर जिम, योर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वर्किंग अगेंस्ट अ वेट लोड, वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी, जो आपकी मसल, मैं आऊंगा उस पूरी चीज पे, मसल ग्रोथ में जो हेल्प करेगा। थर्ड थिंग इज योर न्यूट्रिशन, हाउ योर डाइट शुड बी, व्हाट शुड बी योर मैक्रो इज टू माइक्रो न्यूट्रिएंट रेशियो, आपको कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, आपको आपकी प्लेट कैसी दिखनी चाहिए, आपकी प्लेट में कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना कार्ब्स होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट कितना फैट होना चाहिए। एंड क्योंकि आई एम अ डॉक्टर तो आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट मेडिकेशंस विच हेल्प्ड मी ऑल्सो लूज एक्स्ट्रा फैट इन द बिगनिंग। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं उन लोगों के लिए जो मॉर्बिडली ओबीस है, जिनका BMI लेट्स से 35 30 के ऊपर है। ठीक है यार, तो तुम लोग एक चीज रियलाइज कर लो, ये बहुत ही ज्यादा मतलब इरिटेटिंग इरिटेटिंग नहीं, मतलब तुम्हें ना थोड़ा अंदर से जला देगी बात, बट देर इज नो सच थिंग एज अनहेल्दी वेट लॉस व्हेन इट कम्स टू अ मॉर्बिडली ओबीस गाय। तुम अगर मोटे हो बहुत ज्यादा और तुम्हें पतला होना है या तुम्हें बॉडी बनानी है, तुम जो वेट लॉस करोगे वो अनहेल्दी ही होगा, वो होगा ही अनहेल्दी। क्योंकि साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर मैं अपनी बुक्स निकालू, मैं हैरिसन डेविडसन, जो मेरी मेडिसिन की बुक होती है, उसमें बोला जाता है कि 10% ऑफ योर बॉडी वेट 6 months पीरियड के अंदर आपको कम करना चाहिए। बट एक जो मोटा बंदा है, जो बहुत ही मोटा है, वो बहुत आराम से वो 10% बॉडी वेट एक बहुत छोटे टाइम में कर लेगा अचीव। एंड आपको ना दुनिया सुनाएगी, बहुत सुनाएगी कि यार ये तो अनहेल्दी वेट लॉस है, इसने कुछ दवाइयां लेके किया होगा, ये वो। सुन लो माँ चाहे, तो एक अपनी बॉडी चाहिए ना, वो मिलेगी। ठीक है, एंड रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड देखना होता है हर चीज का लाइफ में। अगर तू 40 BMI का बंदा था, ठीक है, एंड मान ले तूने चल ले भी ली दवाई, तूने फैट बर्नर्स ले लिए, जो बहुत ही ज्यादा, जिनकी साइड इफेक्ट प्रोफाइल एक्चुअली में बहुत गंदी है, लाइक वो कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट्स के साथ आता है, बट तूने वेट अपना कम कर लिया, नाउ यू आर हेल्दी, यू आर नॉट टेकिंग दोज फैट बर्नर्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप वेट लॉस में या अपनी बॉडी रिकॉम्पोजिशन में ये होना चाहिए आपको कि आपको अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स शैटर करने होंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वंस यू हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड, बॉडी तो पीछे पीछे आ जाएगी. ठीक है, आपको बिलीफ सिस्टम्स क्या क्या शैटर करने पड़ेंगे. ए, कि दिस इज पॉसिबल, तुम्हें पूरी जिंदगी अपनी करेंट बॉडी में नहीं रहना है. ठीक है, चेंज इज पॉसिबल, तुम चेंज कर सकते हो. तुम बहुत मोटे थे, तुम बहुत पतले हो सकते हो. तुम बहुत ही अनफिट थे, तुम बहुत बिल्कुल फिट, बिल्कुल ऑपोजिट फिट बन सकते हो. तुम एक वीडियो गेमर थे जो पूरे दिन पॉर्न देखता था और बहुत ही मोटा था और ड्रग्स वग्स करता था, और तुम एक दिन फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो. एवरीथिंग इज इनसाइड हियर. ओके, सो बिलीफ सिस्टम्स तुम्हें शैटर करने होंगे. तुम्हें लोगों की बातों से इतना फर्क नहीं लेना पड़ेगा. तुम्हें मेंटली थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा. तुम्हें समझना पड़ेगा कि ओके, मैं जो भी अभी कर रहा हूं, अगर मैं कंसिस्टेंट रहूंगा मेरे वर्कआउट प्लान, मेरी डाइट और इन चीज के बाद, इवेंचुअली साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, बट इवेंचुअली मैं पहुंच जाऊंगा जिस जगह पे मैं पहुंचना चाहता हूं. ठीक है, स्टेप वन ये है, बिलीफ सिस्टम आपको शैटर करना है. आपको जो जो फिटनेस एडवाइस मिल रही है आप वो लो, बट उनसे ही लो जो एक्चुअली में फिट हो. हमसे क्या गलती होती है, हम किसी अंकल की या किसी उस बंदे की जो एक्चुअली में मोटा है, मतलब अनहेल्दी है, लाइक ही इज स्लिमर देन यू, ही इज फिटर देन यू इन पर्सपेक्टिव, बट वो जिम नहीं जा रहा है. ठीक है, वो जिम नहीं जा रहे, तब भी तुम उसकी एडवाइस को दिल पे ले लेते हो, और वो जब चीज काम नहीं कर रही होती तुम और डीमोटिवेट होते हो, तुम और ज्यादा जिम वाली अपनी जर्नी से दूर जा रहे होते हो. ठीक है, स्टेप वन बिलीफ सिस्टम शैटर करो अपने. स्टेप टू, अब ना मैं तुम्हारे लिए ना कुछ इक्वेशंस बता रहा हूं जिससे तुम्हारा सारा का सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा. ओके, इफ यू आर वॉकिंग मोर, इफ यू आर वॉकिंग मोर एंड ईटिंग लेस, यू विल लूज वेट. इफ यू आर वॉकिंग मोर, तुम अपने डेली स्टेप्स बढ़ाओगे, चलने वाले स्टेप्स बढ़ाओगे, एंड यू आर ईटिंग लेस. ईटिंग लेस का मतलब है कि तुम्हारी एक चीज होती है मेंटेनेंस कैलोरीज. ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी को कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए होती है, और वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो ऑनलाइन डिपेंडिंग ऑन योर हाइट, वेट एंड योर मेटाबॉलिज्म. अगर लेट्स से मेरी 2000 कैलोरीज है मेंटेनेंस, वैसे मेरी 2600 है, बट लेट्स फॉर दिस एग्जाम्पल लेट्स टेक मेरी 2000 कैलोरीज है एंड मेंटेनेंस कैलोरीज. अगर मैं 2000 मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाऊंगा और मैं ज्यादा चलूंगा, मेरा वेट लॉस होगा ही, भगवान भी नहीं रोक सकता. लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई हो रही है यहाँ पर. ठीक है, फिजिक्स की लॉ है ये. मैं काम ज्यादा करूंगा, मैं फ्यूल कम लूंगा, मैं इवेंचुअली मेरी मशीन पतकम हो. मैं समझा नहीं सकता थर्मोडायनेमिक्स से, आई एम सो सॉरी, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ अच्छी तरह. मेरी फिजिक्स थोड़ी वीक थी, तभी मैं मणिपाल में हूँ. बट आप प्लीज समझिए ये बात, इफ यू विल वॉक मोर एंड ईट लेस यू विल लूज वेट. नाउ सेकेंड स्टेप, इफ यू विल वॉक मोर And eat less, but increase your protein, then you will lose fat. अब इससे क्या होगा, तुम ज्यादा चल रहे हो. ठीक है, तुम बिल्कुल अपने तुमने maintenance calories कम करी हुई, let's say you're eating around 1800 calories now, but अब तुम 50% अपनी जितनी भी न्यूट्रिशन ले रहे हो, 50% ऑफ योर न्यूट्रिशन लेट्स से कम्स फ्रॉम प्रोटीन, 900 कैलोरीज का प्रोटीन खा रहे हो, तुम पागलों की तरह खा रहे हो. तो इसमें क्या होगा, जब तुम अपनी बॉडी को इतना ज्यादा प्रोटीन दे रहे हो तो मसल मास मेंटेन होने में हेल्प होगी, और जो भी तुम्हारा बॉडी वेट लूज होगा, क्योंकि तुम चल तो रहे हो और तुम कैलोरीज भी कम खा रहे हो, बट अब तुम प्रोटीन ले रहे हो तो तुम्हारा मसल मास रिटेन रह रहा है, तो जो भी अब फैट लॉस हो रहा है, जो भी अब वेट लॉस हो रहा है वो फैट से हो रहा है ज्यादातर केसेस में. मेजोरिटी ऑफ द केस में जो तुम्हारा वेट लॉस तुम्हें स्केल में दिखेगा वो फैट का होगा. ठीक है, तीसरी चीज, तो तू ज्यादा चल, तू कम खा, जो खा रहा है उसमें प्रोटीन डाल, और एक चौथा स्टेप ऐड कर दे, जिम. अब इससे क्या होगा, एक बार तुमने जब जिम ऐड कर दिया, व्हेन यू आर वॉकिंग मोर, ईटिंग लेस, ईटिंग मोर प्रोटीन एंड डूइंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यू विल लूज फैट एंड गेन मसल. दैट्स हाउ यू बॉडी रिकॉम्पोज, दैट्स हाउ योर बॉडी रिकॉम्पोजिशन का तरीका वर्क्स. ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा, जब तू ज्यादा चल रहा है, तू कम खा रहा है, तेरा वेट लॉस होगा, तू प्रोटीन खा रहा है, तेरा फैट लॉस होगा वेट लॉस में से, एंड तेरी मसल रिटेन होगी. बट जब तू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहा है, जब तू जिम जा रहा है,
ठीक है, जब तू जिम कर रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, तू अपनी मसल को स्ट्रेस दे रहा है, तू अपनी मसल को स्ट्रेस दे रही है, ठीक है, तू क्या कर रही है, तू माइक्रो टेयर्स ला रही है अपनी मसल के अंदर. लेट्स से दिस इज अ वेट, लेट्स से दिस इज अ वेट एंड मैं इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट लाइक ऊपर ला रहा हूँ, आई एम पुलिंग इट टुवर्ड्स माई सेल्फ, आई एम पुलिंग इट टुवर्ड्स माई सेल्फ, तो मेरी मसल पे माइक्रो टेयर्स आते हैं जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाता हूँ. मैं जैसे जैसे लोड बढ़ाऊंगा उतने ज्यादा माइक्रो टेयर्स आएंगे. जब रिकवर होगी तब मेरी बॉडी को समझ आएगा कि अरे भाई सुहानी तो पागल हो गई है, सुहानी 2.5 किलो का डंबल क्यों उठा रही है, अभी तक तो नहीं उठा रही थी, अब उठाने लगी है. तो बॉयज, बॉडी अपने आप को बोलेगी, बॉयज हमें सुहानी को थोड़ी मसल देनी पड़ेगी क्योंकि ये पागलों की तरह 2.5 किलो उठा रही है. अब 2.5 किलो उठा रही थी सुहानी, ठीक है, एंड एक टाइम के बाद अब वो 5 किलो उठा रही है. तो बॉडी बोलेगी अरे बहन चो पागल हो गई है सुहानी, सुहानी हैज गॉन मैड, नाउ वी हैव टू गिव हर मोर मसल. दैट्स हाउ बॉडी वर्क्स. बॉडी के साथ सीन क्या है, इतनी इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी ब्यूटीफुल मशीन है हमारी बॉडी कि उसको पता है कि कहाँ कहाँ पर कॉम्पनसेट करना है डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंट. क्योंकि यार डार्विन ने भी तो ये बोला था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो अगर आप अपनी बॉडी के लिए ऐसा एनवायरमेंट बनाओगे जिसमें आप ज्यादा लोड ले रहे हो, ज्यादा वेट बढ़ा रहे हो, तो आपकी बॉडी को अडैप्ट करना ही पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए. आपकी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए अडैप्ट करना पड़ेगा इन, एंड दिस अडैप्टेशन विल कम इन द फॉर्म ऑफ मसल ग्रोथ एंड मसल हाइपरट्रॉफी. ये प्रिंसिपल आपको समझना पड़ेगा. आप जिम जाओ, ठीक है, आप वेट उठाओ, आप एक्सरसाइजेस करो, वेट उठाओ, बट आपको हर हफ्ते वो वेट बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी और रिकवरी होगी, वैसे वैसे आपको और मसल मिलेगी. ठीक है यार, मैं कोई जिम ट्रेनर नहीं हूं बट मैं इतना बता देता हूं, मैं जब आप जिम भी जाते हो ना, देर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है, कि आपको लाइक आपको किस टाइप की बॉडी चाहिए उस हिसाब क्या, उस हिसाब से आपका ट्रेनिंग रेजिम होना चाहिए. ठीक है, तो यार मेरे को ना ऐसी बॉडी चाहिए थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मुझे ऐसी बॉडी चाहिए थी जो लड़कियों को पसंद है लड़कों में. ठीक है, जैसे लड़कियों, हमें लड़कियों में क्या पसंद आता है, द आर ग्लास फिगर, लाइक द शेप, राइट, कि बस्ट लाइक सॉरी ऊपर बड़ा है नीचे बड़ा है वेस्ट कम है. ठीक है, दैट्स द आर ग्लास फिगर. लड़कों में द आर ग्लास इज द वी टेपर. ठीक है, आपने बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर सुना होगा एंड दिस इज एक्चुअली द ट्रूथ. अगर आपकी शोल्डर्स ब्रॉड है, आपकी चेस्ट बड़ी है, आपकी बैक बड़ी है, ठीक है, आपकी वेस्ट कम है, आपके लेग्स मोटे हैं, देन यू विल हैव अ वेरी गुड प्रोपोर्शनेट बॉडी. ठीक है, इफ योर लैट्स आर बिग वगैरह वगैरह, सो स्टार्ट ट्रेनिंग दोस मसल्स. ठीक है, मैंने ऐसे शुरू किया था. आप डिफरेंट परस्पेक्टिव ले सकते हो, आप डिफरेंट कोई वर्कआउट रिजीम आप किसी का भी ले सकते हो, किसी का भी वर्कआउट प्लान उठा सकते हो, जब अनलेस एंड अंटिल यू आर वर्किंग आउट एंड यू आर डूइंग लाइक वेट लिफ्टिंग एंड आप अपने आप को लोड दे रहे हो और आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर रहे हो अपने वेट पे, कि हर हफ्ते या तो फॉर्म बेटर कर रहे हो या वेट बढ़ा रहे हो, फॉर्म बेटर कर रहे हो वेट बढ़ा रहे हो, आप धीरे धीरे टाइम अंडर टेंशन से भी इंट्रोड्यूस होगे कि मैं अपनी मसल को जितनी देर ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड रखूंगा इन दैट ईसेंट्रिक एंड एसेंट्रिक मूवमेंट, उसमें मेरे को ज्यादा सोरनेस होगी, मेरा ज्यादा मसल ग्रोथ होगा. आप धीरे धीरे सारी चीजें खुद ही फिगर आउट करोगे और मैं इन पे भी वीडियोस बनाते रहूंगा, बट मैं आपको एक बेसिक जिस बंदे ने कभी जिम के बारे में सुना भी नहीं उसको बता रहा हूं कि भाई कार्डियो इज नॉट दैट एसेंशियल. मतलब जो हैवी वाला कार्डियो होता है ना, जैसे कि जंपिंग जैक करा रहा है तुम्हें, बर्पी करा रहा है, ये करा रहा है, वो करा रहा है, तुम्हारा वेट लॉस होगा ही होगा. बट मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि सस्टेनेबली आप 10,000 से 15,000 स्टेप्स करो दिन के, दैट्स इट. 10,000 से 15,000 डेली स्टेप्स आप इतना वॉक करोगे, आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाओगे, उसमें प्रोटीन बढ़ाओगे, एंड अगर आप जिम जाओगे आपकी बॉडी में ऐसा चेंज आएगा कि आपका मसल मास बढ़ेगा, आपका फैट कम होगा, आपका वेट कम होगा एंड एवरीथिंग विल बी गुड. ठीक है, अब आती है उन चीजों के बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं जो मैंने पर्सनली खुद भी यूज करी है. ओके, मैं काफी ट्रांसपेरेंट बंदा हूं. मैं किसी दिन अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी यूज करूंगा, जो मुझे अब लग नहीं रहा कि मैं यूज करूंगा क्योंकि भगवान शिव ने स्टेरॉइड्स नहीं लिए थे, ठीक है, एंड उन्होंने भी कितनी इनसेन बॉडी बनाई हुई थी, तो फिर मतलब मैं एक्चुअली मैं उनका थोड़ा भक्त हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं मतलब आई दैट इज माई पीक बॉडी नाउ. मैं थोड़ा आई एम लिटिल मेंटली इनसेन एक्चुअली, सो बहुत नार्सिसिस्ट हो गया अपने आपको भगवान से कंपेयर करने के लिए, बट वी आर ऑल गॉड एक्चुअली.
सो इनिशियली आई टुक दिस दिस इज एफेड्रा कैफीन एंड यूहिम्बिन. तो दिस हैज एफेड्रीन कैफीन एंड यूहिम्बिन. मैं आपको इन तीनों कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ. तो यार एफेड्रा एक बैंड सब्सटेंस है, ठीक है, एफडीए के हिसाब से एक बैंड सब्सटेंस है. एफेड्रा एक प्लांट है मुआहांग के नाम से. मुआहांग एक चाइनीज प्लांट है जो हर्बल प्लांट होता है. एंड इसका मेन काम क्या है कि ये आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देता है, ठीक है. प्लस ये आपको एपेटाइट सप्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है. प्रॉब्लम क्या होती है मोटे लोगों के साथ कि उनको ना बहुत खाने की आदत होती है, क्योंकि उन्होंने ना इतने साल कोपिंग मैकेनिज्म बनाया होता है फूड के साथ. लाइक दे एंजॉय ईटिंग, दे डोंट एंजॉय ईटिंग फूड, दे हैव टू ईट फूड व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड. इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस अ पर्सन ईट्स फूड लाइक हॉगल्स ऑन फूड. आइदर दे आर बोर्ड और दे आर लाइक ट्राइंग टू मास्क सिम्टम्स ऑफ समथिंग विच इज बैड इन देयर लाइफ, ठीक है. कोई कोपिंग मैकेनिज्म हो जाता है बच्चों का, तो कि बचपन में भाई लेट से तुम अपने भाई से पिट रहे हो और तुम्हारे पास अभी ड्रग्स एंड एल्कोहल नहीं है स्केप करने के लिए, उस उम्र में कहाँ होती है, तुम्हारे पास खाना ही होता है डोपामिन का सोर्स, ठीक है. तो लोग ज्यादा खाने लग जाते हैं, इसके कारण अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स आ जाती है. तो यार मैंने ये, मेरे भी ये थी, ठीक है. तो स्टार्टिंग में मैं ब्लैक कॉफी, निकोटीन, मैं ये यूज करके अपना एपेटाइट सप्रेस करता था. इवेंचुअली मेरे एक दोस्त है अर्जुन डोकस, उनके एक जीजा जी है, आई डोंट नो, तो उन्होंने मेरे को इसके बारे में बताया. ही इज ऑल्सो इन वेट लिफ्टिंग. दिस इज अ वेरी अनहेल्दी कंपाउंड, ठीक है. क्योंकि जब मैंने अब इसमें, अच्छा ठीक है, मैं एफेड्रा की बात कर रहा था ना. हाँ एफेड्रा के बारे में आपको मैंने बता दिया. कैफीन भी आपका एपेटाइट सप्रेशन में हेल्प करेगा. एंड यूहिम्बिन हाइड्रोक्लोराइड इज अ ब्यूटीफुल कंपाउंड, क्योंकि यूहिम्बिन हाइड्रोक्लोराइड आपका बीटा टू रिसेप्टर को एक्टिवेट करके आपकी फैट को फैट सेल से ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है. तो एक तरह से ये आपका वो जो गंदा वाला एडिपोज वाला फैट होता है ना, ये उसको बाहर निकाल देता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, जो स्टोर्ड फैट होता है, ठीक है. तो यार मैं ये किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा. काम करती है चीज, बिल्कुल करती है, बट इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत गंदी है. लाइक इसको खाने के ही 30 मिनट्स बाद मेरे को पैल्पिटेशन शुरू हो गए थे. मतलब मेरे को अपने कान में हार्ट बीट सुनाई दे रही थी अपनी, स्वेटिंग होती है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा अग्रेशन भी होता है, बट आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा यूफोरिया भी आता है. इसको हर्बल एक्सटेसी के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा वो यूफोरिक सी फीलिंग आती है. एंड यूहिम्बिन के साथ एक अच्छी बात है कि इट इज ऑल्सो अ नेचुरल वे टू हेल्प विद प्री मेच्योर इजैक्युलेशन ऑल्सो. आई डोंट नो वॉट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देयर. इट इज मोस्ट प्रॉब्ली फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिशन जो ये कराता है, या तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा देता है यूहिम्बिन, इसका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है. सो दिस सप्लीमेंट यूज एट योर ओन रिस्क, वेरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली चीज है ये. हेल्प करेगा स्टार्टिंग में आपको, मतलब अगर स्टार्टिंग के 5-6 kgs निकालने हैं उसमें ये बिल्कुल हेल्प करेगा, ओके. दूसरा कंपाउंड तो ये मैंने अभी रिसेंटली मैं लेना शुरू किया था, ठीक है. मैंने ये एक हफ्ते के लिए ट्राई किया. इसका नाम है क्लेनब्यूट्रोल. आपने सुना होगा क्लेन क्लेन क्लेन, ठीक है, ये तो बैंड सब्सटेंस है, ठीक है. क्लेन के साथ सीन क्या है यार, ये ना एक एस्थमा की दवाई की तरह यूज होती थी पहले. इट इज ऑल्सो अ बीटा टू एगोनिस्ट, ठीक है, मतलब ये आपके बीटा रिसेप्टर पे काम करेगा, ठीक है. एंड इसके चक्कर में आपको इसकी साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी बहुत गंदी है, लाइक ट्रेमर्स, पैल्पिटेशंस, हेडेक्स, क्रैम्प्स. ये क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर टॉरीन जो होता है, आपके लिवर के अंदर टॉरीन, उसको डिप्लीट करा देता है. उसके चक्कर में आपकी बॉडी के अंदर इतने अजीब अजीब से क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है. और दोनों दवाइयां जो मैंने आपको अभी मेंशन करी है, इन दोनों में लाइक इंसोम्निया भी हो जाता है, ठीक है, एंड आपका ऑब्वियसली एपेटाइट भी सप्रेस रहता है. दीज गाइस विल डू द जॉब, बट लाइक एट वॉट कॉस्ट. मैंने जब एफेड्रा खाया था और मैंने अपना जब एलएफटी कराया था, मेरे एएसटी एंड एएलटी दोनों एलिवेट हो गए थे. लाइक नॉर्मल 41 इंटरनेशनल यूनिट्स तक इनकी रेंज होती है, 0 से 41 के बीच में होता है ना रेंज एएसटी एंड एएलटी का, जो आपके लिवर एंजाइम्स होते हैं. लिवर एंजाइम्स अगर एलिवेटेड, इसका मतलब आपके लिवर इज अंडर प्रेशर,
ठीक है, मतलब लिवर के अंदर या तो कोई टॉक्सिन आया हुआ है या कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है या कोई कैंसर हुआ हुआ है, वो एक तरीका होता है डॉक्टर का पता लगाने का कि अरे भाई इस बंदे का लिवर ना अभी स्ट्रेस के अंदर आया हुआ है। और भैया ये खाते ही 2 हफ्ते में मैं स्ट्रेस में था। क्लेनब्यूट्रोल के साथ मैंने 1 हफ्ता क्लेनब्यूट्रोल खाई, और ये मैंने अभी बहुत रिसेंटली खाई थी, 1 महीना हुआ है मुझे क्लेनब्यूट्रोल खाए हुए, एंड मैंने सिर्फ 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करी। मैंने प्लान ये बनाया था कि आई विल गो ऑन अ 6 वीक कट, ठीक है, बट आई हैड टू स्टॉप दिस बिकॉज दिस वॉज नॉट सूटिंग माई बॉडी, बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, ठीक है। एंड मैं एक्चुअली में फील कर रहा था कि भाई मैं शायद उन लोगों में से ना हूं जो 40 साल पे ही, मतलब वो जो जिम में होते ना, मर जाते। तो अभी मेरे को जरूरत भी नहीं लग रही, बट भाई अगर आप बहुत ही मोटे सांड हो यार, कोई दिक्कत नहीं है ये कंपाउंड्स थोड़े टाइम के लिए खाने के लिए, मेरे हिसाब से। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है, मैं आपके साथ बहुत ट्रांसपेरेंट हूं, मैं आपको अपनी जर्नी बता रहा हूं अभी यहां पर, ठीक है। एक चीज बहुत जरूरी है आपको लेना, ठीक है, इसमें सब डेफिशिएंट होते हैं, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इकलौती चीज है जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है। आई एम कमिंग टू टेस्टोस्टेरोन नाउ, ठीक है। अब जैसे जैसे आप वेट लिफ्टिंग करोगे, आपको अपना टेस्टोस्टेरोन भी थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ना जिम में प्लैटूज आएंगे, ठीक है। जब आप प्लैटूज का मतलब ये है कि भाई आप जो वेट उठा रहे थे 15 किलो लेट्स आप बेंच प्रेस कर रहे हो, 15-15 किलो दोनों तरफ बेंच प्रेस कर रहे हो, और आप बेंच 2 महीने से वही करे जा रहे हो, 17.5 भी एडवांस नहीं कर पा रहे हो, 17.5 भी एडवांस नहीं कर पा रहे हो, तो इस केस में आप को अपना टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइजेशन शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। लोग बोलते हैं आपको ज्यादा खाना खाना शुरू कर देना चाहिए, आपको अपने फॉर्म पे ज्यादा ध्यान देना दे देना चाहिए। मैं सोचता हूं ऐसे कि अगर आप अपना हार्मोन प्रोफाइल को बेटर कर दोगे तो आपकी वैसी ही रिकवरी और मसल बिल्डिंग बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू चेंज योर बॉडी, ओके। टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे मेन चीज आपको विटामिन डी तो लेना ही पड़ेगा, एंड यू हैव टू स्टार्ट हैविंग गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही है जो बाद में कन्वर्ट होकर टेस्टोस्टेरोन बनता है। कोलेस्ट्रॉल से स्क्वेलीन, स्क्वेलीन से एपॉक्साइड, और उससे बेंच, और एंड में जाके टेस्टोस्टेरोन ही बनता है। तो आप एग योक्स और ये सारी चीजें प्रेफरेबली रात में खानी चाहिए। नाउ कमिंग टू योर न्यूट्रिशन, मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी, मैंने आपको आपका लाइक बिलीफ सिस्टम शैटर करने की बात बता दी, मैंने आपको अपना जिम बता दिया, मैंने आपको सप्लीमेंट्स के बारे में भी कुछ बताया, कुछ फैट बर्नर्स के बारे में बताया। मैं अभी इनके ऊपर डिटेल वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, मैं इनके ऊपर डिटेल वीडियोस बनाऊंगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ट्रांसपेरेंट विद यू गाइस, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू हाउ योर प्लेट शुड लुक, ठीक है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू लूजिंग वेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिम के अलावा योर डाइट। अब तक सबसे इजी तरीका बताता हूं इस चीज के साथ डील करने का, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते न्यूट्रिशन को। अब तक आपकी प्लेट में चावल एक तरफ होते हैं, रोटी एक तरफ होती है, 2 कटोरी में सब्जी होती है, ठीक है, ऐसी हो रही थी ना अब तक। इंडियन डाइट तो यही है ना कि आपके पास 2 सब्जी, उनमें से एक दाल है, एक कोई ग्रीन वेजिटेबल या समथिंग है, आपके पास रोटी है, राइस है। स्विच इट अप, जस्ट स्विच इट अप। आपकी 1 कटोरी में राइस होना चाहिए या रोटी, दोनों नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कोई भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स आप खा रहे हो, इवेंचुअली बॉडी के अंदर जाके वो चीनी ही बनता है, वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है, वो फ्रक्टोज में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो। आप चाहे फ्रूट खाओ, चाहे आप चिप्स खाओ, चाहे आप रोटी खाओ, चाहे चावल खाओ, एंड में जाके वो ग्लूकोज ही बनना है। तो अब से आप जो भी कार्बोहाइड्रेट चूज कर रहे हो अपनी डाइट में, 2 चीजें याद रखनी है उसके बारे में। एक तो वो बहुत ही सेशिएटिंग कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होना चाहिए कि आपको बहुत कम कैलोरीज में बहुत ज्यादा वॉल्यूम मिल रही है। एंड बी, जो भी वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स होना चाहिए, अभी मैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात बोलने वाला हूं, जो भी वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स होना चाहिए उसका लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होना चाहिए। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि जब आप वो खाओ, अब ऐसे मैं ये समझाने से पहले एक चीज समझाना चाहता हूँ, जैसे ही आप बॉडी में कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेते हो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब सेल्स को ग्लूकोज चाहिए होता है ना, तो एक हमारे पास हार्मोन होता है इंसुलिन, इंसुलिन ये सेल के अंदर ये गेट खोल देता है जिससे ग्लूकोज सेल के अंदर घुस पाता है, ठीक है। तो इंसुलिन एक तरह से चौकीदार है सेल का,
कि भाई शुगर आ जा, ग्लूकोज आ जा, सेल के अंदर आ जा, इसको चाहिए, इसको चाहिए, इसको चाहिए। ऐसा ऐसा देखा गया है कि आप जितने ज्यादा बार ये इंसुलिन की स्पाइक्स लाते हो अपनी बॉडी के अंदर, उतना ज्यादा आपका स्लो मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, जितनी बार ये इंसुलिन आके बुलाता है भाइयों को, चीनी को, कि भाई आओ सेल के अंदर आओ, सेल के अंदर आओ, जितनी बार दिन में बुलाता है, जितनी इंटेंसिटी से दिन में बुलाता है अंदर सेल के अंदर, उतना ही ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, क्योंकि आप हमेशा फिर डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन वाले फेज में होते हो अपने मेटाबॉलिज्म के, हमें उसमें नहीं रहना। अगर आप लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड लोगे, वो क्या करेगा, वो इंसुलिन की स्पाइक्स जो होती है ब्लड के अंदर, स्पाइक्स होती है जो इंसुलिन का रिलीज होता है, उसको थोड़ा कम कर देता है। एग्जाम्पल स्वीट पोटेटो। स्वीट पोटेटो एक परफेक्ट कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। क्यों? क्योंकि आपको वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा मिल रही है जब आप एक बार शक्करकंदी काटते हो, प्लस उसका इंसुलिन पे ये रोल है कि वो जो पोस्ट प्रांडियल खाने के बाद जो इंसुलिन की स्पाइक है उसको थोड़ा कम तरीके से लाता है, इतना ऊपर नहीं लाता, यहां तक लाता है, यहां तक लाता है। वी वॉन्ट समथिंग लाइक दैट वेन वी आर चूजिंग आवर ओन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। इवन रागी, रागी इज ऑल्सो वेरी गुड। रागी के अंदर लाइक प्रोटीन भी होता है, वेरी गुड कार्बोहाइड्रेट सोर्स। रोटी राइस के मैं थोड़ा अगेंस्ट हूँ, इवन लाइक ब्राउन ब्रेड एंड ये सब कुछ, ब्राउन ब्रेड भी एट द एंड ऑफ द डे ब्रेड ही है। ठीक है, यू शुड लुक फॉर होल फूड्स व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। एंड लोग ना प्रोटीन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ठीक है, मैं कोई लाइक एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट अगर सबसे आसान तरीका वही है कि प्लेट में अब तक जितने आप चावल और रोटी खा रहे थे उतने आप अंडा या चिकन खाओ। ठीक है, अगर आप अंडा चिकन नहीं खा पा रहे हो, वेजिटेरियन हो, देन आपको वेरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ लेग्यूम्स कंज्यूम करने पड़ेंगे या सोया कंज्यूम करना पड़ेगा। बट यार मैं ना थोड़ा सा, जबकि मैं 22 साल से वेजिटेरियन था खुद, बट मैं थोड़ा सा ना वेज सोर्सेस के साथ, ना वेज प्रोटीन सोर्सेस के साथ मेरा मतलब सीन ऑन नहीं होता। कैसे बताऊं मैं, क्योंकि यार चाहे मिथ हो या ना, सोया से तो मेरे को तो लगता है एस्ट्रोजन बढ़ता है। मैंने ज्यादा साइंटिफिक स्टडीज इस पर पढ़ी नहीं है, बट मैं खुद फील कर पाता हूँ। कैसे बताऊँ भाई, यार प्लेसिबो हो सकता है बहनचोद, बट लाइक मैं सोया के थोड़ा अगेंस्ट हूँ। एंड इवन लेग्यूम्स, क्योंकि आपको जैसे दालें और राजमा और छोलों से प्रोटीन मिल सकता है, बट आपको बहुत ह्यूज क्वांटिटीज खानी पड़ेगी टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो आपको लेट से ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट से मिल सकता है। प्लस ये आपका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा देगा अगर आप इतने ज्यादा दालें खाओगे। ठीक है, ठीक है, अभी अभी तो हम वेट लॉस कर रहे हैं, यूरिक एसिड बाद में ठीक करेंगे। ठीक है, ये सारी आपकी बॉडी को थोड़ा अनहेल्दी होना पड़ेगा अगर आप इवेंचुअली हेल्दी होना चाहते हो, मैं ये बोलना चाहता हूँ। देर इज नो सच थिंग एज हेल्दी वेट लॉस। कोई आप जानते हो किसी वजह से हेल्दी वेट लॉस किया है? कोई नहीं है। ये बॉलीवुड वाले भी क्या करते हैं, क्लेम्ब्यूट्रोल, ट्रेनबोलोन एसिटेट, ट्रेन लिया, स्टेरॉइड से बॉडी बनाई, क्लेन से फैट कट कर दिया। कोई नहीं कर रहा, ये मिथ्स हटा दो, सारा वेट लॉस जो भी तुम्हारी लाइफ में होगा वो अनहेल्दी ही होगा। ठीक है, इफ यू आर वेरी फैट, इफ यू आर वेरी फकिंग फैट, और इफ यू वॉन्ट टू लाइक चेंज योर बॉडी। ठीक है, नाउ कमिंग टू फैट्स। फैट से डरना नहीं है भाई, अगर आप मोटे सांड भी हो। ठीक है, कौन से फैट से नहीं डरना है आपको? जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल में ज्यादा डोमिनेंट हो ना फैट्स, जैसे कि एवोकाडोस। ठीक है, एवोकाडो और एग योक जो है, ये बहुत अच्छे सोर्सेज है आपके एचडीएल के। ठीक है, एंड सीन क्या होता है कि अगर आप इन चीजों में डेफिशिएंट हो गए, अगर आप गुड फैट्स नहीं खाओगे व्हेन यू आर लूजिंग वेट, ठीक है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ड्रॉप कर जाएगा। और हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं स्टार्टिंग में कि भाई जो बंदा अब तक जिम जा ही नहीं रहा था पूरी जिंदगी, जो बंदा गंद खा रहा था, वो जब जिम जाना शुरू करे, वो जब अच्छा खाना शुरू करे, तब उसके हॉर्मोन्स उसका साथ देने चाहिए। हमें अपने हॉर्मोन्स फिक्स करने हैं एट द एंड ऑफ द डे। दुनिया को दिखाने के लिए तुम बाहर से चाहे कितनी भी बॉडी चेंज कर लो, मजा तभी आएगा जिंदगी जीने में अगर आपके अंदर के हॉर्मोन्स सही है। ठीक है, मैं हॉर्मोन्स को मतलब बेस्ट ऑर्गन सिस्टम मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप इनको चेंज करके ना बहुत सारा डिफरेंट तरीके से फील कर पाते हो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है। आप किसी, आप हाइपोथायरायडिज्म वाले से पूछो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी गंदी है, मतलब वो कुछ भी खाता है मोटा हो जाता है। एक हाइपरथायरायडिज्म वाले से पूछो भाई, वो कुछ भी खाता है बिल्कुल पतला रह जाता है, उसकी आंखें बाहर आ जाती है। इट्स फक्ड अप। लाइक छोटे छोटे ये केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं। थोड़ा सा आपका लाइक आपका थायराइड ऊपर नीचे होगा, आपकी बॉडी के अंदर जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ठीक है, सेम चीज टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के साथ है। ठीक
ठीक है, आपको अपने टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड वी हैव टॉक्ट अबाउट वेट लिफ्टिंग, वी हैव टॉक्ट अबाउट जिम, वी हैव टॉक्ट अबाउट डाइट, वी हैव टॉक्ट अबाउट सप्लीमेंटेशन। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट वन मोर थिंग, कि बेटर यही रहेगा अगर आपको मोटिवेटेड रहना अपनी जिम जर्नी के अंदर, कि आप ना अपने रेगुलर ब्लड टेस्ट कराते रहिए, ठीक है। अपना FSH, LH, या आपके फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, सीरम टेस्टोस्टेरोन, LFTs, RFTs, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, ये सारे कराओ। होता क्या है, बॉडी के अंदर जब आप ये जब अच्छी हैबिट शुरू करते हो ना, बॉडी को टाइम लगता है अडेप्ट होने में, और उसके अंदर जो फिजिकल फर्क होता है ना, वो दिखने में ना कम से कम 1 महीना 2 महीना लग जाता है, और तब तक ही बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं। बट बॉडी की बेस्ट बात बताऊं, जिस दिन से आपने अच्छी ईटिंग हैबिट शुरू कर दी, जिस दिन से आप जिम जाना शुरू कर दिया, जिस दिन से आपने सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर दिए, जिस दिन से आपने कुछ भी लाइक अपना वाटर इंटेक भी बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, उस दिन से अगर आप उस दिन ब्लड टेस्ट करोगे, उसके 1 हफ्ते बाद ब्लड टेस्ट करोगे ना, ब्लड टेस्ट के अंदर जमीन आसमान का फर्क होगा, कसम से लिख के ले लो। बॉडी अंदर से चेंज होना तो अगले सेकेंड ही शुरू हो जाती है, ठीक है। ऑल्सो वॉटर एंड सॉल्ट, अगर आपको लाइक लीन लगना है, ठीक है, तो एक चीज होती है आपकी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास, ठीक है। तो मेन काम क्या होता है आपके सॉल्ट का काम क्या होता है बॉडी के अंदर, कि वो पानी को रिटेन करके रखता है, ठीक है। सेम थिंग गोज फॉर योर कार्बोहाइड्रेट्स, आप जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो वो ना लाइक ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन हेल्प्स इन स्टोरिंग वाटर, लाइक इट इज एबल टू होल्ड वाटर, ओके, होल्ड वाटर। इफ यू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम योर सॉल्ट, एंड इफ यू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइक कार्बोहाइड्रेट जो आप खा रहे हो अपनी डाइट के अंदर, एंड अगर आप अपना पानी बढ़ा दोगे, तो आपका जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है ना, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। वो बोलेगा, अरे बहन चोद, ये पानी बहुत पी रहा है, और हमारे पास नमक भी नहीं है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, इस पानी को रोकने के लिए सुसु करते हैं, सुसु करते हैं, सुसु करते हैं, बहुत सारा सुसु कर दोगे तुम, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, इसको वाटर फास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। काफी UFC फाइटर्स वेट कट करने के टाइम पे ना इस पर्टिकुलर चीज को बहुत ही एक्सट्रीमली यूज करते हैं, ठीक है। मैं एक एक चीज को और अच्छी तरह एक्सप्लेन, अगर आप सुनना चाहते हो, एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो, अगर आप सुनना चाहते हो कि मैं कौन से की बॉडी पार्ट्स पे ज्यादा ट्रेन करता हूँ, या अगर आपको और कोई भी डाउट्स है, जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक वीडियोस ऑन दिस ओनली, ओके। थैंक यू सो मच।